आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें एक बॉय के जीवन की स्ट्रगल के बारे में बताया गया है और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। सो हर्षा की प्रेजेंटिंग द बॉय इन द बोट। मूवी शुरू होती और हम देखते हैं कि एक बच्चा बोट चला रहा होता है और उसी किनारे पर हमें एक बुजुर्ग आदमी दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडसन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पे कुछ बच्चे नाव में रोविंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन्हें भी वो बहुत ध्यान से देखता है और इसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें उसकी पास्ट की लाइफ दिखाई जाती है। 1936 वॉशिंगटन सिएटल शहर को हमें दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का रेंज अपने फटे जूते में न्यूज़पेपर लगा रहा होता है। फिर वो कॉलेज के लिए चले जाता है। कॉलेज में क्लास के दौरान रेंज एक लड़की को बार बार देख रहा होता है। वो शायद उसकी क्रश हो जिसका नाम जेइस होता है। तभी रेंज के दोस्त रॉजर को देखते हैं जो कि उसी के बाजू में ही बैठा हुआ होता है। इसके बाद रेंज कैंटीन में जाता है और वहाँ अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसके पास पैसे कम होते हैं तो वो वहाँ से भूखा ही लौट जाता है। रेंज एक खराब सी कार के अंदर रहता है, वही उसका घर है। यह पता चलता है कि रेंज की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो अकेला ही रहता है। रेंज कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अगले दिन हम रेंज को देखते हैं जो काम की तलाश में जाता है तो उसे काफी मुश्किलों के बाद काम मिल जाता है। फिर जब वह कॉलेज जाता है तो उसे फीस के लिए बोला जाता है कि तुम अपनी पूरी फीस सबमिट करो। रेंज किसी तरह आधी फीस तो जमा कर देता है पर उसके पास बाकी के लिए पैसे नहीं होते। उसे 2 वीक का समय मिलता है पूरी फीस जमा करने के लिए। फिर हम रेंज और जेइस को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इनकी बात चली रही होती है कि तभी वहाँ पर रॉजर आ जाता है और इसके बाद जेइस वहाँ से चली जाती है। रेंज रॉजर से पूछता है कि आप पैसों का इंतजाम कैसे होगा। रॉजर उसे रोविंग टीम के बारे में बताता है। वो उसे ये बताता है कि रोविंग टीम में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको रहना और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को रोविंग के बारे में नहीं पता तो रोविंग एक तरह की नाव की रेस होती है जिसमें 8 प्लेयर्स और एक लीड प्लेयर मिलकर नाव को चलाता है और ये स्पोर्ट ओलंपिक में भी इंक्लूडेड है। इसके बाद हमें रॉजर और रेंज को उसी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ रोविंग टीम का सिलेक्शन होता है। वहाँ और भी कैंडिडेट आए होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। रेंज और रॉजर वहाँ सब खड़े ही होते हैं कि तभी वहाँ पे कोच आ जाते हैं जिनका नाम एल्बिक्सन होता है। उनके साथ 2 और कोच भी होते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि आप सभी में से कोई 8 ही क्वालिफाई हो पाएंगे जो कि जेपी बोट को चलाएंगे। ज्यादातर लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे कुछ ही हफ्तों में। वो यह भी कहते हैं कि जिनका शरीर और दिमाग नहीं थकेगा वही दूसरों से कम्पीट कर पाएंगे क्योंकि ये स्पोर्ट बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ एवरेज ह्यूमन की बॉडी काम नहीं कर पाती। फिर इसके बाद इन सभी का रजिस्ट्रेशन होने लगता है। हर एक को अपने अपने नंबर दिए जाते हैं। फिर रेंज का टर्न आता है रजिस्ट्रेशन कराने का तो वो वहाँ पे बैठे कोच से पूछता है कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब है क्या, मतलब कि यहाँ कोई काम है क्या मेरे लिए। कोच उसे कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद सभी लोगों को 2 टीम में अरेंज किया जाता है और फिर इन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इन सभी से पुशअप्स, रनिंग, बोट चलाई जाती है ताकि इनकी टेक्निक और पावर को चेक किया जा सके कि कौन इसमें बेहतर है। इनसे काफी हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है और हम देखते हैं रेंज ट्रेनिंग के दौरान कोच एल्ब्रिक्सन से पूछता है कि क्या सर मेरे लिए कोई काम है क्या, मैं ट्रेनिंग के साथ साथ काम भी करना चाहता हूँ। वो उसे थोड़ी देर बाद बताने का कह के वापस ट्रेनिंग में लौटा देते हैं उसे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग के बाद रेंज के फ्रेंड उसे खाना खाने के लिए पूछते हैं पर रेंज उसे बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और रेंज ऐसी जगह में जाता है जहाँ पे गरीबों को खाना बट रहा होता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती तो वहाँ जाके वो खाना खाना चाहता है। पर वहाँ जब देखता है तो उसी का कोई कॉलिक जो उसके साथ अभी ट्रेनिंग कर रहा था वो वहाँ पे खाना दे रहा होता है तो इसके कारण वो वहाँ पे खाना नहीं खाता और वहाँ से भूखा ही लौट जाता है। के बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं रेंज और रॉजर जब कॉलेज जाते हैं तो काफी थके हुए होते हैं क्योंकि ट्रेनिंग उनसे काफी हार्ड कराई जाती है तो उनकी बॉडी में काफी पेन हो रहा होता है कि तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर का लेक्चर चल ही रहा होता है कि ये दोनों वहाँ पे सो जाते हैं और जब प्रोफेसर इन लोगों की तरफ देखते हैं तो रेंज को जेइस किसी तरह उसे उठा देती है पर रॉजर सोया हुआ ही रहता है तो उसे डांट लगती है। फिर ये सभी ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन सभी से काफी हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, हार्ड नहीं एक्सट्रीम हार्ड ट्रेनिंग कराई जाती है और फिर इन लोगों को बोटिंग करवाई जाती है, इन्हें सोलो ड्राइव कराया जाता है, ऐसा ही चलता रहता है। फिर जब रेंज कॉलेज में लाइब्रेरी में बुक रीड कर रहा होता है कि तभी वहाँ जेन्स आती है। जेन्स और रेंज के बीच बात चल रही होती है कि किस तरह वो रोमिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग के बारे में पूछती है कि रॉजर और तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। फिर हम देखते हैं फाइनली वो दिन आ जाता है जब 8 लोगों का सिलेक्शन होगा। कोच आकर इन सभी के नाम अनाउंस करते हैं जो होते हैं हंट, ह्यूम, मैकमिली, डे, रॉजर, वाइट,
एडम और रेंच। और ये सभी जब अपने नाम सुनते हैं तो काफी खुश होते हैं। इसके बाद इन लोगों का फोटो सेशन होता है, फिर नाइट में ये सभी जो सिलेक्ट हुए थे साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद रेंच जेंस से मिलने वहां से उसके रूम चले जाता है, फिर ये लोग साथ में बोटिंग के लिए नाइट में ही चले जाते हैं और ये लोग वहां पे बातें करने लगते हैं। रेंच और जेस जेस रेंच से पूछती है कि और कितने लोग सिलेक्ट हुए, वो उन्हें सभी का नाम बताता है और इनकी बातें इसी तरह चलते रहती है। इसके बाद मॉर्निंग में रेंच और रोजर को उनके रूम अलॉट किए जाते हैं, वो ये देख के काफी खुश होते हैं। इसके बाद फिर उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। कोच इन्हें एक दूसरे पे भरोसा करना सिखाता है, इन लोगों की क्वालिटी टेक्निक एंड पावर के बेसिस पे इन्हें बोर्ड में सीट मिलती है। कोच इन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं कॉक्सन से। कॉक्सन का मीनिंग होता है जो बोट को लीड करे और इनका नाम होता है गैलन मोरी। और इसके बाद इन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान इन सभी की रेस एक्सपीरियंस्ड रोविंग टीम से कराई जाती है ताकि इन सभी को उनके बारे में और उनकी टेक्निक के बारे में पता चले और उनकी स्पीड को ये देख पाए। इनकी ट्रेनिंग इसी तरह चलती रहती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये सभी वापस घर जाने लगते हैं, पर हम रेंस को देखते हैं जो कि वापस घर नहीं जाता, वो बोट को देखने चले जाता है। रेंस बोट को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है जो कि इन सभी की बोट को बनाता है और वो उनसे पूछता है कि तुम अभी तक घर नहीं गए, तुम्हें घर जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद इनकी बातें आपस में इसी तरह चलती रहती है। ओल्ड मैन रेंस से कहता है कि तुम्हें जब भी वक्त मिले तुम यहाँ आ सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कोच एल्ब्रिक्सन को जो इन्हें टेक्निक्स के इम्पोर्टेंस बता रहा होता है और इन्हें स्ट्रोक आफ्टर स्ट्रोक स्विम एंड एक्सेट्रा बाकी सभी टेक्निक्स सिखाता है। और इसके बाद रेंस की लाइफ ट्रेनिंग कॉलेज एंड वर्क में ही इसी तरह बीतती रहती है। इसके बाद कोच इन्हें इनकी एबिलिटी एंड पावर के अकॉर्डिंग इनको बोर्ड में सीट देता है और इनकी ट्रेनिंग इसी तरह चलती रहती है। इनकी ट्रेनिंग जूनियर क्रू टीम एंड सीनियर क्रू टीम के साथ ही चल रही होती, मतलब जो रेंस की टीम होती है उसे जूनियर क्रू टीम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोच कमिटी हेड के साथ बैठा हुआ होता है और उससे बातें कर रहा होता है। कमिटी हेड कोच को कहता है कि इस बार हमारी टीम ओलंपिक में जरूर गोल्ड मेडल लाएगी और इनकी बातें इसी तरह चलती रहती हैं। इसके बाद जूनियर टीम क्रू के सारे मेंबर एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि हंट वहां पे रखा पियानो को देखकर उसे बजाने लगता है। ये सभी वहां एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद हम कोच को देखते हैं जो कि पिछले दिन में हुई ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा होता है। वो काफी कंफ्यूज होता है, वो सोचता है कि मैं बोट में प्लेयर्स को किस तरह से अरेंज करूं कि ताकि वो अपनी स्पीड और रिदम को पा सके। फिर वो कोच गैलन को बुलाता है जो कि वहां का क्रॉक्समैन होता है, यानी कि वो उन्हें लीड करता है, उसे वो सभी स्ट्रेटेजी समझाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ये इतनी बार ट्रेनिंग कर चुके होते हैं कि इनके अपने आप में परफेक्शन आ रहा होता है, ये थोड़ा बहुत इंप्रूव हो रहे होते हैं डे बाई डे और इनकी ट्रेनिंग लगातार चल ही रही होती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कोच एल्ब्रिक्सन इन्हें एक नई बोर्ड दिखाता है, उसे उन सभी को बताता है कि इसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और इसकी रिस्पेक्ट करना है। ये सभी उस बोर्ड को देख रहे होते हैं। और अगले दिन इनकी रेस होती है वॉशिंगटन लेक में, जहां काफी लोग आए हुए थे रेस देखने के लिए। ये जूनियर क्रू टीम की पहली रेस होती है, मतलब इन्हें वॉशिंगटन जेवी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। फिर रेस स्टार्ट होती है, शुरू में जेवी टीम के अपोनेंट उनसे आगे निकल जाते हैं, पर किसी तरह गैलन अपनी टीम को संभालता है और वो धीरे धीरे उनसे आगे निकलने लगते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जेवी टीम अपने अपोनेंट से इजीली उनको बीट करते हुए आगे निकल जाती है। वॉशिंगटन जूनियर बोट अपना पहला मुकाबला जीत जाती है और इनका कोच इनकी स्पीड देख के काफी हैरान होता है। फिर सभी लोग काफी खुश होते हैं और ये अपनी जीत को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जूनियर टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, वो वहाँ चाहे तो जा सकती है, पर ये सभी कोच के हाथ में कि वो जूनियर टीम को भेजे या सीनियर टीम को। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी के दौरान हम हंट को देखते हैं जो अकेला बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ गैलन आता है और उसके बीच में बैठ जाता है और उसे पियानो बजाने का कहके उसे वहाँ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं हंट वहाँ पियानो बजा रहा होता है और सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद हम रेंच और जेस को देखते हैं जो कि इधर अलग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम इसके बाद कोच को देखते हैं जो कि ओलंपिक की फुटेज को देख रहे होते हैं, वो कुछ सोच रहे होते हैं। इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पे वो सभी प्लेयरों के कवर चेक कर रहे होते हैं कि जब वो रेंच का कवर चेक करते हैं तो वहाँ पे उसके कपड़े फटे और जूते में छेद होता है। इसके बाद वो कुछ सोचते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद वो जूनियर टीम एंड सीनियर टीम के बीच ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और उनकी आपस में ही रेस करा रहे होते हैं। इस बार पता है क्या होता है कि जूनियर टीम सीनियर टीम को 3 बार इजीली हरा देती है,
कुछ ये सब बड़े ध्यान से देख रहा होता है और कुछ सोचने लगता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोच एल्ब्रिक्सन चाहता है कि ओलंपिक में सीनियर टीम की बजाय जूनियर टीम जाए। इसी बात पर उसके साथी कोच के साथ डिबेट चल रही होती है, ओल्ड मैन ये सब सुन रहा होता है। हम इसके बाद देखते हैं वॉशिंगटन रोविंग टीम का कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है। ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की दोनों टीम वहाँ पे होती है, जो सीनियर टीम और जूनियर टीम होती है। वहाँ कुछ रिपोर्टर्स और भी बहुत से लोग आए होते हैं। कोच वहाँ हाल ही में हुई जूनियर टीम की जीत की उन्हें शाबाशी देता है और फिर वो ये भी कहता है कि अभी तक हमारी वॉशिंगटन रोविंग टीम दो दशकों से ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाई है, पर मुझे इस बार ऐसा लगता है कि इस साल जरूर हमारी टीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी। ये कहता है तो वहाँ सभी लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद कोच ये फैसला करता है कि इस बार ओलंपिक में सीनियर टीम की बजाय जूनियर टीम जाएगी और ये बात सुन के वहाँ सभी लोग शांत हो जाते हैं, पर जूनियर टीम वहाँ काफी खुश होती है। इसके बाद कोच एल्ब्रिक्सन वहाँ से जाने लगते हैं। जाते वक्त उन्हें कमेटी हेड उन पर काफी नाराज होते हैं। वो एल्ब्रिक्सन से कहते हैं कि तुम 5 साल पुरानी टीम को छोड़कर एक नई नौसिखिया टीम को ओलंपिक में भेज रहे हो। तो कोच उन्हें जवाब देते हैं कि माय टीम माय डिसीजन, और ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रेंस और जेस साथ में बैठे हुए होते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी रेंस बाहर देखने लगता है और जब वो बाहर जाता है तो वहां उसके फादर होते हैं। और फिर हमें पता लगता है कि रेंस ने अपना घर 14 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी मदर की डेथ के बाद उसकी स्टेप मदर उससे काफी तंग किया करती थी। वो काफी परेशान दिखाई देता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सभी लोग न्यूयॉर्क के लिए जा रहे होते हैं। इन्हें बहुत से लोग विदा करने भी आए होते हैं। न्यूयॉर्क में इनका सेमीफाइनल होता है। इसके बाद हम ट्रेन में देखते हैं जहां रेंस और रेंस के दोस्त सभी साथ में होते हैं कि तभी रेंस के फ्रेंड रेंस को ऐसे ही मजाक करते हैं तो रेंस उन पर भड़क जाता है और फिर वो वहां से चले जाता है और अकेला बैठा रहता है। वो थोड़ा परेशान है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी रोविंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस के दौरान इन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा होता और हम रेंस को देखते हैं जिसका ध्यान बोटिंग में तो बिल्कुल नहीं होता। रेंस इसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा रहा होता है और हम कोच एल्ब्रिक्सन को देखते हैं जो फिर रेंस से पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम रोविंग सही से नहीं कर रहे हो, ऐसे में हम लोग हार जाएंगे। तो रेंस इन्हें जवाब देता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सभी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और कोच से रूटली पेश आता है तो कोच उसकी जगह एक एक्स्ट्रा प्लेयर को बैठा देते हैं और प्रैक्टिस जारी रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंस अपना बैकपैक कर रहा होता है घर जाने के लिए, पर रोजर उसे समझाता है कि उसी वक्त वहाँ ओल्ड मैन आ जाता है और वो उसे अपने साथ लेके जाता है। वो उसके साथ हुई प्रॉब्लम के बारे में उससे बातें करने लगता है और उसे समझाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि कोच के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है और उन्हें कहता है कि मुझे मेरी सीट वापस चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों की रेस होती है ह्यूनसोंग रिवर में, जहां पे और भी टीम आई होती है और मुकाबला सभी टीमों के लिए जरूरी होता है जीतना, क्योंकि इसी मुकाबले के बेसिस पे इन लोगों को ओलंपिक में जाने को मिलेगा। सभी रेस के लिए तैयार होते हैं और इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। हम वॉशिंगटन को देखते हैं, रेस के दौरान वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं पर गैलन इन्हें संभालता है। ये फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे जीत के लिए बढ़ रहे होते हैं, फिर जीत जाते हैं। और यहाँ सभी बैठे लोग काफी खुश होते हैं, रेंस और उसकी टीम भी काफी खुश होती है। फिर ये सभी साथ होते हैं, रिपोर्टर्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और फिर हम एल्ब्रिक्सन को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है रोविंग टीम को बर्लिन ले जाने के लिए। वहाँ इन लोगों का सेमीफाइनल होता है, पर इन्हें बर्लिन ले जाने के लिए US रोविंग ओलंपिक चेयरमैन के पास इन्हें फंड देने के लिए पैसे नहीं होते और ये उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कोच को बताते हैं कि बर्लिन की ट्रिप के लिए उन्हें $5,000 की जरूरत होगी और इसके बाद वहाँ से कोच चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोच अपनी टीम के साथ इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर कोच को आइडिया आता है कि न्यूज़पेपर में क्यों ना इसके बारे में आर्टिकल छपवाया जाए और फिर उस आर्टिकल में लिखा होता है द ओलंपिक रोविंग टीम नीड्स योर हेल्प टू गेट द बर्लिन। हम रोविंग प्लेयर्स को देखते हैं जो कि सभी से डोनेशन मांग रहे होते हैं, ये कह के कि आपका थोड़ा डॉलर जर्मनी को हराने में हमारी मदद करेगा। तो फिर ये सभी से डोनेशन लेते हैं। हम वॉशिंगटन में देखते हैं जहाँ सभी लोग इनकी मदद कर रहे होते हैं, इसी तरह इन्हें डोनेशन मिलता रहता है। तो फिर हम देखते हैं कोच को जब ये मनी के कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो फिर भी इन्हें $300 कम पड़ते हैं कि तभी वहाँ हाल ही में वॉशिंगटन रोविंग टीम से हारी टीम के कोच आते हैं और वो इनकी हेल्प करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं ये पैसे जीतने के बाद तुमसे ले लूंगा। फिर इसके बाद ये सभी
भी काफी खुश होते हैं। फिर ये सभी बर्लिन पहुंच जाते हैं और ये सब वहां पहुंच के काफी खुश होते हैं। हम डोंग को देखते हैं जिसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती कि तभी वहां पे कोच आते हैं। इन्हें कहते हैं कि तुम सेरेमनी में क्यों नहीं गए, तो फिर रेंस इन्हें बताता है कि डोंग की तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही। इसके बाद ये सभी सेरेमनी में जाते हैं, वहां पर डोंग नहीं आया होता, वो बीमार होता है तो उसे ओल्ड मैन उसकी केयर कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मुकाबला होता है जिसे ये इजीली जीत जाते हैं। फिर ये जर्मनी का मुकाबला देख रहे होते हैं और जर्मनी भी फाइनल में पहुंच जाती है। इसके बाद फिर डोंग की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, तो फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। इसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जब फाइनल मैच होता है ओलंपिक में, और ये रेस 500 मीटर की होती है जहां वर्ल्ड 6 बेस्ट रोविंग टीम आई होती है इस मुकाबले में, जिसमें से जर्मनी, इटली, हंगरी, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट होता है। और इससे पहले जर्मनी ने 4 गोल्ड मेडल जीत चुकी होती है ओलंपिक में। और इस मैच को सभी फिर रेडियो में सुन रहे होते हैं, और वहाँ पे फिर हिटलर भी आता है इस मैच को देखने, और हम कोच एल्ब्रिक्सन को देखते हैं जो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा होता है। इसके बाद हम अमेरिकन रोविंग टीम को देखते हैं जहाँ पे गैलन डोंग से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और फिर इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस स्टार्ट होती तो रोविंग टीम ना सबसे पीछे हो जाती है और बाकी सभी टीम आगे होती है। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। गैलन सभी को मोटिवेट करता है और इन्हें लिंक कर रहा होता है। हमें गैलन को देखते हैं जो कि डोंग को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है, क्योंकि डोंग बहुत ज्यादा वीक दिखाया जाता है। इसके बाद ये एक एक करके सभी टीम को पीछे छोड़ के आगे निकलते जाते हैं। आगे लास्ट में 2 टीमें बचती हैं, जर्मनी और इटली, जो कि इनसे आगे होती हैं। फिर ये अपनी स्पीड को बढ़ा के उन सभी के बराबरी में आ जाते हैं और मैच वहीं पे फिनिश हो जाता है। फिर जब वो कैमरे से फोटो लिए होते हैं ना, तो उसे देखते हैं तो अमेरिका इस मैच को जीत जाता है और वहाँ पे सभी लोग काफी खुश होते हैं। और इसके बाद ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।